नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है फनटेक। तो दोस्तों, YouTube ने फाइनली अपना जो YouTube को एप्लीकेशन था वो इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया है दोस्तों। तो इसे आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये आप प्ले स्टोर पर जाके YouTube को सर्च करेंगे तो आपको शायद पहले पेज में ना मिले, तो इसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, तो वहीं से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि ये अभी भी बीटा वर्जन पर अवेलेबल है, तब भी आप इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस एप्लीकेशन पर आपको क्या दिया गया है और इस एप्लीकेशन को आपको क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलिए इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो देख सकते हैं एप्लीकेशन ओपन हो चुका है और यहाँ पे आपको कई सारे लैंग्वेज मिल जाएंगे, यानी कि कई भाषाओं में इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इसे सिलेक्ट करते हैं इंग्लिश पे। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर डालना है, फ़ोन नंबर चलिए डाल देते हैं। उसके बाद आपको अपना यहाँ पर ईमेल एड्रेस डालना है और उसके बाद आपको OTP से इसको वेरीफाई करना है। बस ये हो जाने के बाद जो आपका एप्लीकेशन था वो चल जाएगा। तो दोस्तों, देख सकते हैं ये एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। तो इसके क्या फ़ायदे, मैं आपको यही बताने वाला हूँ, यानी कि आप YouTube की वीडियोस को बिना प्ले किए ही उस वीडियो की प्रीव्यू को आप देख सकते हैं दोस्तों, यानी कि आपका जो डेटा है वो इसमें काफ़ी बचेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ऊपर की तरफ आपको दिखा रहा है प्रीव्यू, यानी कि जो वीडियो ये प्ले नहीं हो रहा है, यानी कि आपका जो डेटा है वो काफ़ी बच रहा है। यानी कि आप वीडियो को क्लिक करके उसके अंदर क्या क्या कॉन्टेंट है उसे आप आसानी से देख सकते हैं। और नीचे की तरफ आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा बेसिक क्वालिटी, स्टैंडर्ड क्वालिटी, तो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके साथ ही आप इसकी जो वीडियोस है उसे आप सेव भी कर सकते हैं दोस्तों। हाँ, यानी कि आपको दूसरे से कोई भी YouTube डाउनलोडर यानी कि प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड नहीं करना है, आप सीधे ही इस एप्लीकेशन से आप वीडियोस को सीधे सेव कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ। और इसे सेव करने के बाद आप इस वीडियोस को आप दूसरे के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं कि ये कैसे होता है। तो ये देख सकते हैं ये वीडियो डाउनलोड हो रहा है। तो चलिए डाउनलोड होने तक थोड़ी देर वेट करते हैं। तो ये सेव हो रहा है वीडियो। तो ये सेव हो जाने के बाद आपको मैं दिखाऊंगा कि आप इस वीडियोस को दूसरे के साथ कैसे शेयर कर सकते हैं दोस्तों। तो ये देखिए डाउनलोड हो चुका है। तो आपको नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको दो ऑप्शन दिखाई देगा, सेंड एंड रिसीव, यानी कि आप इन वीडियो को क्लिक करके अगर दूसरे के मोबाइल पर यूट्यूब को एप्लीकेशन इंस्टॉल है तो आप एक दूसरे के साथ वीडियोज़ को शेयर कर सकते हैं। तो ये आपके सीधे वाईफाई से शेयर होगा तो काफ़ी फास्ट होगा। तो दोस्तों, ये एप्लीकेशन काफ़ी अच्छी है। हालांकि ये एप्लीकेशन अभी भी बीटा वर्जन पे है, लेकिन आप इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल काफ़ी अच्छी तरह से कर सकते हैं और ये एप्लीकेशन काफ़ी अच्छी तरह से काम करता है दोस्तों। तो अगर आपने अभी तक इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल नहीं किया है तो मेरे डिस्क्रिप्शन पे चले जाइए और वहाँ पे इस एप्लीकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप वहीं से जाके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद रखता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जितने भी अपडेट्स हो आप तक आसानी से पहुँच जाए। तो आपको फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।